गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रीवियस क्लास में एक थ्योरम किए थे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेल्स एंगल आर इक्वल। इसका एक कन्वर्स थ्योरम होगा जो आप लोग खुद करेंगे। द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स प्रूव दैट अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। आप देख सकते हैं कि उसमें क्या था कि अब इक्वल साइड्स, यहां क्या है इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल इक्वल होगा, यहां अब इक्वल एंगल्स का अपोजिट साइड इक्वल होगा। अब आप देखिए थोड़ा सा पहले वही आइसोसेल्स ट्रायंगल लेना है ए बी सी आइसोसेल्स ट्रायंगल, और इसमें क्या है गिवन में क्या है, इसमें हम थोड़ा सा हिट कर लेते हैं एंगल बी इक्वल एंगल सी। जो प्रूव में है ए बी इक्वल ए सी, फिर वही करें एंगल ए का बाइसेक्टर खींचे एडी बाइसेक्टर हो गया ये और ये इक्वल। हमको प्रूफ क्या करना है ये गिवन है ये और ये दोनों गिवन है एंगल है और ये बाइसेक्टर हमने खींच दिया और ये साइड है। अभी हम ऐसे ऐसे नहीं करके हम लोग अभी कर लेंगे ए एस एस ए एस एस, क्या हो जाएगा दोनों ट्रायंगल ये अभी नहीं पता है कि ये इक्वल है। ये और ये इक्वल हो गया इवन है और ये बाइसेक्टर हमने खींच दिया है, दो एंगल और एक साइड कॉमन है इक्वल है कॉमन कॉमन, तो ए ए एस से हम इसको दिखा देंगे ए एस। ये आप खुद करेंगे, आज हम क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी से 7.2 लेते हैं एक्सरसाइज। एनसीईआरटी इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल फर्स्ट क्वेश्चन ए बी इक्वल ए सी, फिगर है नहीं भी है तो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ए बी सी ए बी इक्वल ए सी ए बी इक्वल ए सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, बी का बाइसेक्टर और सी का बाइसेक्टर दोनों सपोज ओ पर इंटरसेक्ट कर दिया ज्वाइन ए टू ओ ए से ओ को मिला दिया सो दैट
सेकेंड ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए. एंगल ए मीन्स यहां बी ए सी होल एंगल ए बी इक्वल ए सी बाइसेक्टर ऑफ बी एंड सी. बी और सी का बाइसेक्टर, बी और सी का बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये और ये चारों इक्वल हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि ए बी सी एक आइसोसेल्स एंगल, तो ए बी इक्वल ए सी, देयरफॉर बी इक्वल टू सी. प्रूफ अगर लें ट्रायंगल एबीसी, एबीसी में एबी इक्वल एसी, देयरफॉर एंगल एबीसी इक्वल एंगल एसीबी. अब अगर हम ये कर रहे हैं कि हाफ एबीसी, हाफ ऑफ ए बी एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, दोनों का आधा आधा भी इक्वल ही रहेगा. हाफ एंगल ए सी बी, हाफ एंगल ए बी सी, ओ बी इज द बाइसेक्टर, देयरफॉर एंगल ओ बी ए और ओ बी सी इक्वल होगा. एंगल ओ बी सी इक्वल एंगल ओ सी बी. आप रीजन दे सकते हैं ओ बी एंड ओ सी आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ABC and angle ACB respectively. Now in triangle OBC, एंगल ओ बी सी इक्वल एंगल ओ सी बी. जब एक ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल, तो इक्वल एंगल के सामने का साइड जो है अपोजिट साइड इक्वल, अभी जो हमने कहा कि आप लोग अपने से कर लेंगे उसी थ्योरम के आधार पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ओ बी इक्वल ओ सी. ओ सी बी के सामने में ओ बी और ओ बी सी के सामने में ओ सी. एंड फर्स्ट प्रूफ वाला फर्स्ट, सेकेंड ए ओ बाइसेक्टर ऑफ ए. ए ओ बाइसेक्टर ऑफ ए के लिए आपको ए ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में आप देखिए ए बी इक्वल ए सी गिवन आइसोसेल्स ट्रायंगल है. एंगल ए बी ओ इक्वल एंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ ओ बी
angle C respectively. And OB equal OC. OB equal OC. Prove the above. Therefore, triangle AOB congruent to triangle AOC by SAS. SAS. Therefore, angle DAO equal angle CAO by CPCT. जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया इसका हमने ए ओ बाइसेप्स एंगल ये देयरफॉर ए ओ बाइसेप्स एंगल बीएसी एंड प्रूव. इस तरीके से आप क्वेश्चन को देखिए और कंग्रुएंसी को ध्यान में रखते हुए आप सवाल बनाइए और बनेगा दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कैसे होगा उसमें से तीन चीज को आप निकालिए और फिर आप आगे बनाइए. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.